जांच कर लैंडस्केप में जब भी आप ट्रैक करें तो पदम से लेकर कारगिल के बीच में जो अल्पाइन मीडोज और पाश्चर्स हैं उसमें रोड के दोनों ओर आप इन इंटरेस्टिंग हर्बीवोर्स के बिहेवियर को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इनका नाम, इनको कहा जाता है मारमोट्स। इन इंडिया देर आर टू स्पीसीज ऑफ मारमोट्स। वन इज नोन एज हिमालयन मारमोट्स, नोन एज मारमोठा हिमालयाना, एंड अदर स्पीसीज इज लॉन्ग टेल्ड मारमोट और गोल्डन मारमोट विच इज नोन एज मारमोठा कॉडेटा। आप देख रहे हैं कि इनके कोट का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन कलर का है, इसीलिए इसको कई बार गोल्डन मारमोट भी कहा गया है, मारमोठा कॉडेटा, कॉडेटा फॉर टेल। एक लंबी टेल आप देख रहे हैं जिसमें इसका जो टिप है वो ब्लैकिश कलर का है। और ये जो स्मॉल क्रिएचर है ये माउंटेन इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पाए जाते हैं स्कैटर्ड अल्पाइन मीडोज में और ये इम्पोर्टेंट डाइट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कुछ इंडेंजर्ड कार्निवोर्स जो ट्रांस हिमालयन रीजन में पाए जाती हैं, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर और स्पेशली स्नो लेपर्ड। तो जब भी आप बदम से कारगिल की ओर जाएं, पानसीला के पास को क्रॉस करने के बाद रोंगडोंग में अल्पाइन मीडोज में इन इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स को देखा जा सकता है। ये जो ग्राउंड ड्वेलिंग स्क्विल्स होते हैं, बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट डाइट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कार्निवोर्स जैसे स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्राउन बियर, या कई बार टैबिथन वुल्फ और रेड फॉक्स के द्वारा भी इनको किल किया जाता है, इन खूबसूरत क्रिएचर्स को। बेसिकली ये जो है ये हर्बीवोर्स हैं और ये देख रहे हैं कि पानसीला के पास दो अल्पाइन नेचुरल लेक के चारों ओर इन मारमोट्स के बिहेवियर को देखा जा सकता है। ये पानसीला के पास मारमोट के बिहेवियर को आप डॉक्यूमेंट करते हुए देख सकते हैं, एक स्मॉल टेल, और ये फॉरेजिंग करते हुए डेन के आसपास इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। रोंगडोंग वैली और पदम से पानसीला के बीच में एक एक्सलेंट हैबिटेट को देखा जा सकता है, जहाँ पर आप इस तरह के क्रिएचर्स के बिहेवियर को जो है आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन लगातार टूरिस्ट एक्टिविटी की वजह से, ट्रैकिंग और कैंपिंग की वजह से इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन जो जानकारी है इस क्रिएचर के बारे में बहुत कम डॉक्यूमेंट की गई है, सो देर इज नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन येट अवेलेबल रिगार्डिंग द एक्चुअल इकोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ दीज रोडेंट्स। पांगी वैली में भी मेरे द्वारा इन रोडेंट्स को बटोरीज के अंदर डॉक्यूमेंट किया गया और ये
बरों के अंदर रहना पसंद करते हैं और हाइबरनेशन में जाने से पहले बहुत सारी फॉरेजिंग एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि पानसीला के पास हमारे द्वारा मारमोट के बिहेवियर को डॉक्यूमेंट और स्टडी किया जा रहा है। बहुत सारे अल्पाइन फ्लोरा ये अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जैसे प्राइमुला स्पीसीज है, पोटेंटिला की स्पीसीज है, कुछ ग्रासेस लाइक कॉबरेसिया है, एनाफेलिस है, लॉनिसेरा है, ग्रासेस लाइक केरेक्स स्पीसीज है। इस तरह के फ्लोरा या प्लांट्स को जो है ये अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं और विंटर के दौरान इस तरह के बरों के अंदर हाइबरनेशन में चले जाते हैं और इनके बिहेवियर को मई से लेकर सितंबर के आखिर तक जो है अल्पाइन मीडोज में रिकॉर्ड किया जा सकता है, देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा मारमोट पानसीला के लेक के किनारे फॉरेजिंग करता हुआ और इसके बिहेवियर को हमारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और इनके बिहेवियर को इसके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करना और देखना वास्तव में एक बहुत ही सुखद अनुभव जो है वो कहा जा सकता है। सो जांस्कर लैंडस्केप और पेंगोंग ला नुब्रा वैली और अल्पाइन मीडोज लेह लद्दाख के जो हैं वो एक्सलेंट हैबिटेट कंसीडर किए जा सकते हैं मारमोट्स के। मैं डॉक्टर विपुल राठौर एंड रूट कारगिल फ्रॉम सिंकुला ला पास एंड पदम टू पानसीला पास टू कारगिल हैव रिकॉर्डेड दीज इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एंड देयर बिहेवियर्स। So thank you very much for watching this video.